मेरा नाम मनीष है, मनीष कुमार दुबे। मेरी वाइफ प्रेगनेंट थी और 18 को मैं मणिपाल हॉस्पिटल लेकर आया क्योंकि उसको थोड़ा लेबर पेन हुआ। हम लोग जब आए चेक कराने, ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बेबी है, पता चला कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए वाइफ को एडमिट करना पड़ा और उसी दिन सिजेरियन करना पड़ा और मेरा बेबी हुआ 10:51 PM 18 January 2022। और बेबी होने के बाद ये पता चला कि बेबी को भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस था। उसको इनिशियली जो डॉक्टर ने डायग्नोस किया वो था कि बेबी को लंग में कुछ इन्फेक्शन था, लंग उसका ठीक से बना नहीं था, इसलिए बेबी को NICU में एडमिट करना पड़ा। और डॉक्टर विनय राय करके उन्होंने बेबी को देखा स्टार्टिंग 18 से आज तक। आज बेबी को हम देखा जा रहा है, स्टार्ट हुआ है, जर्नी बहुत स्मूथ था। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, बट हाँ, डॉक्टर विनय हर दिन बात करते थे, 10 मिनट 15 मिनट बताते थे क्या हो रहा है, क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या उसका मतलब रिजल्ट क्या है, क्या नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है। और आज मतलब बेबी बहुत स्टेबल है, जैसे मैंने बताया कि आज हम लोग उसको करने के लिए, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बहुत टेंशन था पिछले 15 डेज 14 डेज, कैसा निकला पता नहीं, हॉस्पिटल घर हॉस्पिटल घर ये वो, बट आज आई एम सुपर इम्प्रेस्ड एंड रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ सर्विस जो मणिपाल हॉस्पिटल में मिला और जैसे डॉक्टर नर्सेज एंड एवरी स्टाफ ने जैसे ट्रीट